अस्सलाम वालेकुम माय डियर मोस्ट रेस्पेक्टफुल व्यूअर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं सब जी? मैं हूं आपका फारूक शराजी फ्रॉम प्रोफेशनल कॉस्मेटिक से, और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर डर्मा के फेशियल कॉस्मेटिक का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप और इसका मुकम्मल मेथड, इसको यूज़ कैसे किया जाता है फॉर होम फेशियल किट के लिए, ठीक है ना। सलून वाली को तो पता ही है, वो तो कर ही लेती हैं, लेकिन जो मेरे भाई बहन दोस्त जो घरों में जो है ना फेशियल करना चाहते हैं, जिनको रिजल्ट नहीं मिलता, उनके लिए जो है ना मैं तरीकाकार ये बता रहा हूँ। आपने उस तरीके से करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर ना मिले तो आपने मेरी दोबारा वीडियो नहीं लाइक करनी, ठीक है। अच्छा, नंबर वन पे आपने इस्तेमाल करना है फेशियल क्लिनज़र या मल्टी एक्शन क्लिनज़र। इसमें दो स्टेप होते हैं, आप मल्टी एक्शन क्लिनज़र इस्तेमाल कर ले या फिर फेशियल क्लिनज़र इस्तेमाल करने के कर लें। नंबर टू पे आपने करना है फेशियल स्क्रब, इसका वाइटिंग फेशियल स्क्रब, इसको 5 से 7 मिनट मसाज करना, उसके बाद गिल स्पंज से साफ कर लेना, सेम है। नंबर थ्री पे आपने करनी है मसाज क्रीम जी, इसकी वाइटिंग मसाज क्रीम, सेम ऐसे ही है, 5 से 7 मिनट आपने मसाज करनी है, गिल स्पंज से साफ करनी है, मुंह को प्रॉपर धोना नहीं है। नंबर फोर पे आपने स्किन पॉलिश 5 से 7 मिनट मसाज करनी है, उसके बाद गिल स्पंज से साफ कर देनी है। फिर लास्ट में आपने ये इसका वाइटिंग मास्क है, जिसको आप मड मास्क भी बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा मास्क है। इससे आपका चेहरा जो है ना चेहरे को टाइट भी करेगा और एक्स्ट्रा रिजल्ट भी मिलेगा। इसको आपने सेम ऐसे ही करना है, 5 से 7 मिनट मसाज करनी है, उसके बाद आपने इसको जो है ना 15 से 20 मिनट जो है ना चेहरे पे छोड़ देना है, एक छोटी सी लेयर बना देनी है, और फिर आपने साफ कर देना है। इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम हो गया होगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन पे आपने फेशियल क्लिनज़र इस्तेमाल करना है, नंबर टू पे आपने फेशियल स्क्रब यूज़ करना है, नंबर थ्री पे आपने करना है मसाज क्रीम, ये नंबर थ्री है, नंबर फोर पे स्किन पॉलिश, और नंबर फाइव पे लास्ट पे आपने मड मास्क। ये तो सभी को मालूम होगा मास्क का इस्तेमाल करना है, और इस मेथड के हिसाब से आपने वहाँ स्टेप बाई स्टेप इस्तेमाल करना है, और यकीनन मैंने कहता हूँ कि आप खुद देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या होता है। जो रिज़ल्ट ना मिलने की वजह ये है कि उनको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जो है ना इसके फेशियल करने का मेथड मालूम ही नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे हौसला अफजाई के लिए, और आप मेरे चैनल पे या मेरे फेसबुक पेज पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।